हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित ओझा और आपके अपने YouTube चैनल एम हाई ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स के जून 2021 के प्रतियोगिता दर्पण के बचे हुए भाग को पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप रेगुलर हमसे जुड़े रहें और मैं भी आपसे रेगुलर जुड़ा रहूं, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आप सफलता प्राप्त कर सकें और आपकी सफलता में मेरा थोड़ा सा सहयोग हो सके। तो चलते हैं, आगे बचे हुए भाग को पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स के। तो आइए, पहला है इसमें पुस्तकें, स्टोरीज आई मस्ट टेल। स्टोरीज आई मस्ट टेल इस पुस्तक के लिखने वाले हैं कबीर बेदी। दूसरा, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। और तीसरा, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखक हैं शिव शंकर मेनन। आगे है चैंपियनशिप। चैंपियनशिप है तो इसमें है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, जो कि अल्माटी में हुआ, कजाकस्तान में। अब इसमें एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जो है ये 34वीं चैंपियनशिप है, 34वीं चैंपियनशिप है। साथ ही साथ इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ईरान और कजाकस्तान, ईरान व कजाकस्तान, ईरान व कजाकस्तान ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ भारत के जो मेडल्स हैं उनको भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि भारत के द्वारा प्राप्त किए गए मेडल्स की संख्या कितनी है या भारत ने स्वर्ण पदक कितना प्राप्त किया है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि भारत ने कुल 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है? अगला है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। तो विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जो है वो कील्स में हुई है, पोलैंड में, पोलैंड के कील्स शहर में हुई है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो याद रखना है कि ये 13 से 23 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप। साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारत को जो पदक प्राप्त हुए हैं उसमें 8 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है साथ साथ कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किल्स पोलैंड में हुआ है, ये 13 से 23 अप्रैल 2021 तक हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारत ने कुल मिलाकर 8 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अगला है कोपा डेल रे। तो इसमें आपको बेसिकली सिर्फ इतना समझना है कि कोपा डेल रे किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। एग्जामिनेशन में हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कोपा डेल रे अगर पूछ दिया गया कि किस खेल से संबंधित है तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020, तो ये ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट है 22वां राष्ट्रमंडल खेल। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में संपन्न होंगे, इसका डेट बढ़ाया गया है और ये
बर्मिंघम में संपन्न होगा, बर्मिंघम में संपन्न होगा। और साथ ही इसमें एक फैक्ट और याद रखना है कि इस प्रतियोगिता में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। चलिए अगला है स्मरणीय तथ्य। तो प्रतियोगिता दर्पण में स्मरणीय तथ्य के कुछ फैक्ट्स जोड़े जाते हैं, जो हम पीछे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसी में से ये फैक्ट होते हैं। कुछ जो उसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो चीज़ों उन चीज़ों को मैंने इसमें लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किए? तो ये योजना है स्वामित्व योजना। तो यह ध्यान रखना है, स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। अगला है सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो यह है झिल्ली दल बेहरा, झिल्ली दल बेहरा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते किस योजना के अंतर्गत मई जून 2021 में 5.5 किलोग्राम अन्न गरीबों को दिए जाने की घोषणा की? तो ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला है कि भारत का सूर्य का अध्ययन के लिए संभवतः जनवरी 2022 में प्रक्षेपित किए जाने वाला स्पेसक्राफ्ट मिशन कौन सा है? तो ये मिशन है आदित्य L1, आदित्य L1। अगला है कि भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने किस दवा को कोविड-19 इलाज के लिए अप्रैल 2021 में स्वीकृति प्रदान की? तो यह है विराफिन, विराफिन को कोविड-19 इलाज के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला है हमारे सौर मंडल का वह ग्रह जिस पर नासा ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी तथा ऑक्सीजन का उत्पादन किया, तो ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पर नासा ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी है और ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। अगला है कि ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय मंत्रियों केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 6 अप्रैल 2021 को संपन्न वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हैं निर्मला सीतारमण और शक्तिकांत दास ने। अगला है किस राष्ट्र ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग न लेने की घोषणा अप्रैल 2021 में की है? तो यह उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा की है कोविड-19 महामारी के चलते। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के प्राइवेट बैंकर जूलियस बेयर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह है शंघाई, चाइना का शहर है। और ये जो रिपोर्ट है ये है ग्लोबल ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट, लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2021। तो ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर जो है वो शंघाई है। अगला है सैन्याभ्यास, यह है वरुणा सैन्याभ्यास। तो आपको ध्यान रखना है कि वरुणा सैन्याभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो कि अरब सागर में हुआ है, अरब सागर में हुआ है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये वरुणा सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास जो है ये 19वां संयुक्त सैन्याभ्यास है, 19वां संयुक्त सैन्याभ्यास है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपकी प्रतियोगिता दर्पण के जून 2021 करंट अफेयर्स के रह गई थी, इनको आज मैंने क्लियर कर दिया। अगले वीडियो में हम फिर किसी दूसरे मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए,
और जैसा मैं पहले से कहता आया हूँ कि आप चैनल पर लगातार बने रहिए। इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स, करंट अफेयर्स और जीएस के मटेरियल कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा और स्तरीय कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। और भरोसा रखिए, ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होगा चैनल, और निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पढ़ते रहिए। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये इस चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए, हार नहीं मानिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अगले वीडियो तक विराम लेते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।